नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स की ये 38वीं क्लास है और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की ये मेरी 5वीं क्लास है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा 1857 की क्रांति को। तो 1857 की क्रांति एक बड़ा टॉपिक है और इसमें विभिन्न चीज़ों को हमें समझना है और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है। हर साल इस टॉपिक से कोई न कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ठीक प्रकार से हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ एक क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं, जिस क्रैश कोर्स की ये 38वीं क्लास है और सब्जेक्ट वाइज चूंकि ये क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं और टॉपिक वाइज चला रहे हैं, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर अब आप नए हैं इस चैनल पे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि इस पूरे कार्यक्रम का शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास, किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक की क्लास कब आपको देखने को मिलेगी, वो सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और इस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने पूरे सिलेबस को कवर किया है, तो प्रीलिम्स से पहले अगर इस पूरे क्रैश कोर्स को अच्छे से आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से ये जानिए कि ये आपकी परीक्षा में बेहद सहायक होने वाला है। इसलिए इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो एक क्रम से देखते हुए चलिए, सारी चीज़ें कम समय में हम लोग इस प्रोग्राम में कवर करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। तो इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और मेरा ये लेक्चर आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ 1857 की क्रांति को हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले तो ये समझ लें कि हम किस प्रकार से 1857 की क्रांति को समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमको समझना है। ठीक है, तो हमारे इस लेक्चर का एजेंडा क्या होगा सबसे पहले तो हम उसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय और विस्तार को, चूंकि हमने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को ठीक प्रकार से समझा है। हमने 4 एंग्लो मैसूर वार, 3 एंग्लो मराठा वार, 2 एंग्लो सिख वार, इन सबको विस्तार से पढ़ा है, लेकिन एक बार हम उन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक है, ताकि हमें समझ में तो आए कि 1857 में अगर क्रांति हो रही है अंग्रेजों के खिलाफ तो अंग्रेजों ने कब अपने साम्राज्य को बिल्ड किया भारत में। ठीक है, इसमें दो तरह के विस्तार हमको देखने को मिलते हैं, एक जो हमने पढ़ लिया है यानी तलवारों के जोर पर विस्तार, युद्धों के माध्यम से विस्तार, और एक प्रशासनिक नीति से विस्तार हुआ अंग्रेजों का, उसको भी हम इसमें देखेंगे। उसे ही मूलतः हमें समझना है, क्योंकि जो युद्ध से विस्तार हुआ उसे तो हमने बड़े अच्छे प्रकार से समझ लिया, प्लासी भी पढ़ा है, बक्सर भी पढ़ा है, सब पढ़ा है। इसके अलावा क्रांति का स्वरूप क्या था। ठीक है, तो क्या क्रांति जो 1857 में हुई वो मात्र एक सैनिक विद्रोह था या ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, इस पर भी काफी बहस होती है और इन बहसों से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इसे भी हमें समझना है। इसके अलावा क्रांति तो हुई ठीक है, लेकिन क्या कारण उसके पीछे काम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे कारण इस क्रांति के पीछे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। इसके अलावा क्रांति का प्रसार क्या रहा, क्रांति कहां कहां तक पहुंची और क्रांति का पतन किस प्रकार से हुआ। इसके अलावा थोड़े में हम देखेंगे कि क्रांति असफल अगर हो गई, क्रांतिकारियों को विजय नहीं मिली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रांति की मशाल को बुझा दिया, तो आखिर उसके कारण क्या थे, क्यों क्रांति असफल हो गई, इन सब टॉपिक्स पे हमें बात करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं एक चार्ट आपको दिख रहा है कि भारत में ब्रिटिश विस्तार कैसे हुआ। मैंने आपको बताया दो तरीके से हुआ, एक तो युद्ध से हुआ और दूसरा प्रशासनिक नीति से हुआ। तो युद्ध से कैसे हुआ,
तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और ठीक इसी के 100 साल बाद 100वीं वर्षी पर 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764। इन दोनों युद्धों से क्या हुआ, पूर्वी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फिर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए, सबको हमने विस्तार से पढ़ा हुआ। इस प्रकार से इन सब युद्धों का परिणाम क्या रहा कि लगभग संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ठीक है, लगभग 2/3 भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया इन युद्धों के माध्यम से। ठीक है, ये बड़े युद्ध हैं, छोटे युद्ध तो और भी बहुत हुए। ठीक है, तो अब हम अगर देखें 100 ईयर को हमने लिया है, 100 साल को, कि कैसे जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ। आप ये देखें, एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है, एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ये वाला एरिया हमको दिखता है ब्रिटिश रूल में। ठीक है, ये प्लासी बक्सर का मामला, 100 साल यानी 1757 से हम बात कर रहे हैं और अगले 100 साल तक हम जा रहे हैं। एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, अब देखिए कैसे बढ़ रहा है, ये पीला वाला भाग देखिए, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, और एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ये हम लगभग 1857 में आ गए। आप देखिए ये पूरा एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये सब जो है ब्रिटिश रूल के अंतर्गत है। 20 में स्टेट्स हैं, जैसे लखनऊ आप देख रहे हैं, अवध का क्षेत्र, मैसूर आप देख रहे हैं, हैदराबाद की रियासत आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब जो है टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल 1857 में देखिए, तो ये पूरा जो टेरिटरी है ये सब ब्रिटिश कंट्रोल में है। ठीक है, ये पूरा ऐसे, क्योंकि 1857 में तो अवध को भी ब्रिटिशों ने ले लिया उससे पहले ही। ठीक है, तो अब जो है हमने प्रशासनिक नीति की बात की है, तो दो चीजों को हम समझेंगे। एक तो बेले जली की सहायक संधि, इससे हमें क्या पता चलेगा, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमने कहा कि अधिकतर उन राजाओं ने, उन जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई 1857 की क्रांति में, जिनका राज चला गया था, जिनकी पेंशन बंद हो गई थी, या जिनका तालुका या जागीरदारी छीन ली गई थी, या जागीरदारी पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, ऐसे ही लोग अंग्रेजों के विरोध में आए। बाकी जो बड़े बड़े शासक थे सब मौन थे। तो वो मौन क्यों थे, या उन्होंने अंग्रेजों की सहायता क्यों की, ये अगर आप समझना चाहते हैं, हम तो ऐसे कह देते हैं कि वो देशद्रोही थे, लेकिन वो मदद क्यों नहीं कर पाए विद्रोहियों की, अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों नहीं हो पाए, वो पता हमें चलता है सब्सिडरी अलायंस से। क्योंकि सब्सिडरी अलायंस ऐसा फंदा था कि एक बार उस फंदे में जो फंस जाता था फिर वो अपने सेंस से काम नहीं कर पाता था, वो अंग्रेजों के तहत ही काम करना उसकी जो है नियति बन जाती है, इसीलिए हमें सब्सिडरी अलायंस समझना है। आपको लग रहा होगा कि ये तो थोड़ा अलग जा रहा है, लेकिन जब लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अंडरस्टैंडिंग 1857 को, क्रांति को पढ़ने के लिए यही है जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो सब्सिडरी अलायंस, अलायंस यानी सहायक संधि कौन लेकर के आया, तो सहायक संधि लेकर के आया बेले जली। ठीक है, तो क्या सहायक संधि इससे पहले नहीं थी, तो सहायक संधि इससे पहले थी। सहायक संधि में मूल विषय यह है कि जिस राज्य में सहायक संधि जिस राज्य से की गई है उसी राज्य के खर्च पर उसी राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश फौज रखी जाएगी, एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा उस में। तो इस तरह से देखें तो 1765 का जो इलाहाबाद की संधि हुई अवध के साथ, जो संधि क्लाइव ने किया वो असल में एक सहायक संधि ही थी, और हैदराबाद के साथ भी डुप्ले ने जो किया वो भी सहायक संधि ही थी। लेकिन वेले जली ने सहायक संधि को एक संस्थागत रूप में प्रयोग किया, इसे और जो है इसे और संगठित किया, संस्थागत रूप में बेले जली ने इसका प्रयोग किया, और इसने सबको प्रस्ताव दिया कि आप सहायक संधि पर हस्ताक्षर करिए। तो बेले जली को हम कह सकते हैं कि बेले जली ने सहायक संधि व्यवस्था को मॉडर्नाइज किया और उसे जो है उसका संस्थानीकरण किया। ठीक है, चलिए तो क्या क्या विषय थे सहायक संधि में वो समझ लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये राजा क्यों अंग्रेजों की तरफ रहे। तो कहा गया कि देशी राज्यों की विदेश नीति कंपनी के हाथ में होगी, तो ये जो देशी राज्य हैं अपने पड़ोसी राज्यों से बराबर लड़ते रहते हैं तो इनका कोई संबंध ही नहीं होगा, वो सब विदेश नीति राज्यों की किसके पास होगी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। राज्य अपने खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखेंगे, तो राज्य अपने खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखेंगे, और अंग्रेजी सेना हुक्म किसका मानेगी,
तो अंतिम रूप से वो हुक्म मानेगी ब्रिटिश सरकार की, हाँ अब जो है कोई समारोह हो रहा है, राजा साहब के यहां मुंडन हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो वो सेना आकर के तोप चला देगी, ये सब कर देगी, तो वो इतना तो राजा साहब करवा लेंगे। लेकिन उसी सेना के दम पर, जो जिस सेना का खर्च राजा साहब दे रहे हैं, उसी सेना के दम पर अंग्रेज उन्हीं राजा साहब को घिरवा देंगे जिस सेना का खर्च राजा साहब दे रहे हैं। कितना मतलब स्थिति खराब है कि आपके पैसे पर सेना पल रही है और वो सेना का प्रयोग अंग्रेज आप ही को घेरने के लिए कर देंगे, ठीक है। और राज्य अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेंगे, तो अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा राजधानी में और डे टू डे के कार्यों को देखेगा। हालांकि कहा तो यह गया सहायक संधि में कि हम रोज के कामों को नहीं देखेंगे, लेकिन जो इंटरनल गवर्नमेंट थी उसमें भी हस्तक्षेप था इनका। अंग्रेज रेजिडेंट का राजा के बराबर की हैसियत पर बैठ रहा था। इसके अलावा बिना कंपनी की अनुमति के राज्य अपनी सेवा में किसी यूरोपियों को नहीं रखेंगे, तो न फ्रेंच को रख सकते हैं, न पुर्तगाली को, न डच को, किसी को नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे तो कंपनी से पूछेंगे। इसके अलावा कंपनी राज्य के कंपनी ने यह वादा किया, लेकिन इस वादे को बराबर तोड़ा। ये कहा कंपनी ने कि हम आंतरिक प्रशासन में कोई आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हस्तक्षेप बराबर हुआ। इसके बाद कंपनी ने कहा राज्य को कि आपके आंतरिक दुश्मन हो चाहे बाह्य दुश्मन हो, या तो राज्य के अंदर से जनता आपके विरुद्ध विद्रोह करे, या कोई पड़ोसी राज्य आप पर आक्रमण करे, तो हम आपकी रक्षा करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि कोई योग्य शासक किस लिए अपनी सेना को मेंटेन करता है कि भाई अच्छा काम करो कि प्रजा हमारे विरुद्ध न हो जाए, हमारे विरुद्ध आंदोलन न कर दे, विद्रोह न कर दे। और दूसरी बात है कि मजबूत सेना रखो, यानी पड़ोसी हमारे पे हमला न कर दे। अब ये दोनों कामों से राजाओं को मुक्ति दिला गई, तो राजा क्या हो गए, भोग विलास में लीन हो गए, ठीक है। अधिकार भी रेजिडेंट के पास चला गया, तो राजाओं के पास कोई शक्ति, आप देख लीजिए जिसको इतने बंधन में आप बांध देंगे उसके पास कोई शक्ति है। अब सिंधिया को सब कहते हैं, केनिंग ने भी लिखा है कि सिंधिया अगर विद्रोहियों के साथ चला जाएगा तो हमें अपना जो है बोरिया बिस्तर अभी गोल करना होगा। लेकिन जो सिंधिया के राज्य में ग्वालियर में सेना थी, वो असल में सिंधिया की सेना थोड़ी थी, वो तो अंग्रेजों की सेना थी। हाँ, छोटा भाग सेना का एक सिंधिया का भी रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सहायक संधि किस क्रम से की गई, तो हैदराबाद के साथ सबसे पहली सहायक संधि हुई 1798। बेलेजली की सहायक संधि की बात कर रहा हूं, बेलेजली ना पूछे, केवल सहायक संधि पूछे और उसमें ऑप्शन में अवध रहे तो आप अवध कहेंगे, 1765। तो हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद बाडियार को बिठा के, तंजौर 1799, अवध 1801, फिर अवध के साथ बेलेजली ने संधि की, ठीक है। पेशवा के साथ 1802, बरार के भोसले के साथ 1803, सिंधिया के साथ 1804। राजपूतों की बात करें तो जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन सब के साथ सहायक संधि की गई, ठीक है। तो यह भी उत्तर आपको मिल गया कि जो राज्य सहायक संधि कर चुके हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ कहां जाएंगे, ठीक है। या तो स्थिति और भी अनुकूल हो गई होती तो ये आ सकते थे। अब देखिए, जिस कारण ने सबसे अधिक योगदान दिया अपना 1857 की क्रांति में, वो था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्षय का सिद्धांत लाया जाना, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लाया जाना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि कोई भी राज्य जिसका, हालांकि राज्य की कैटेगरी है वो मैं भी आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी राज्य जिसका, जिसके राजा का अपना कोई पुत्र नहीं होगा, यानी उसका कोई जैविक पुत्र नहीं होगा, तो वो किसी लड़के को गोद लेकर अगला राजा नहीं घोषित कर सकता है। यानी जिस राजा के पास अपनी कोई संतान नहीं है, यानी जो राजा निसंतान है, यानी जिस राजा का कोई वारिस नहीं है, उसका वारिस कौन बनेगा, तो उसका वारिस बनेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या लिखती हैं, ला वारिस का वारिस बन के ब्रिटिश राज भारत आया। गंगाधर राव को कोई पुत्र नहीं था, दामोदर को जो है उन्होंने गोद लिया था, इन्होंने कहा कि नहीं हम मानते ही नहीं इनको। तो ये विषय जो था, ये इसके दो एंगल थे। पहला एंगल समझिए, पहला एंगल तो ये था कि ये हिंदू धर्म में सीधा सीधा हस्तक्षेप था, क्योंकि जो हिंदू कानून है उसके अनुसार अगर पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके किसी पुत्र को, पुत्री को गोद लिया जाता है, तो उसका स्टेटस बिल्कुल
उसी पुत्र के समान होता है जो आपका खून हो, आपका जैविक पुत्र हो, और उसके की अधिकारिता सेम होती थी। तो गोद लेने की परंपरा हजारों वर्षों से थी और गोद लिए गए बच्चे की अधिकारिता सेम वही होती थी जो कि स्वयं के पुत्र की होती थी। तो अब आप समझ लीजिए कि इसमें हस्तक्षेप किया कि गोद नहीं लेंगे, और गोद लेना है तो ले लीजिए निजी रूप से, भैया वो वारिस आपका नहीं बनेगा। तो ये हिंदू धर्म में दखल था। और दूसरा जिसको हम कहते हैं कि हम निबंध में लिखते हैं कि 1857 लॉर्ड डलहौजी के समय तक अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि एक उच्च नस्ल होने के कारण भारत और भारतीयों पर उनकी पकड़ स्थायी है। आप यहां थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक नया एंगल है, इसको समझ लीजिए, एक दो मिनट लगेगा आपका। देखिए अभी तक क्या होता है कि अगर आपको किसी राज्य पर अधिकार करना है तो जाइए सेना लेकर, उस राज्य के सैनिकों का समूल नाश करिए, उसके राजा का नाश करिए और गद्दी पर बैठ जाइए, जैसे बाबर गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी को मार करके। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि उससे कहिए कि भाई हमारे करद राज्य हो जाओ, तुम टैक्स हमको दो, तुम अपना राज्य बनाए रखो लेकिन टैक्स हमको दो, और जो है हमारी कुछ बातों को मानो, जैसे लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि कि भाई ये चीजें तुम मानो मेरी और कुछ हमें टैक्स दो और बाकी तुम स्वतंत्र हो, इंटरनल प्रशासन करो। लेकिन डलहौजी ने क्या कहा कि न तो युद्ध होगा और न ही आपका स्टेटस राजा का बना होगा, आपका अगर पुत्र या पुत्री नहीं है तो आपका राज्य हम ले लेंगे, यानी चिट्ठी लिख करके राज्य ले लेना। ये इसी तरह से है कि आप सोचें कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपको चिट्ठी लिख दे और कहे कि ऐसा है कि अब अपना खेत और जमीन छोड़ दो, घर मकान छोड़ दो और भाग जाओ जंगल में, या खेत जमीन छोड़ दो और 20,000-25,000 रुपए पेंशन ले लो, जाओ बंबई और दिल्ली में रहो। ये इस तरह से था। तो दो ही तरीका है, या तो पूरा समूल नाश करिए राजा का, उसकी सेना का, और राज्य ले लीजिए, ऐसा होता आ रहा है, या तो फिर संधि करिए, उससे पैसा लीजिए, उसके बहुत सारी अधिकारिता लीजिए, अपना व्यक्ति बैठाइए उसके राज्य में, जैसे अंग्रेज रेजिडेंट बैठा रहे थे। लेकिन पूरा का पूरा आप राज्य ले लेंगे तो आप सोचिए कि वो ये डलहौजी ये समझ चुका था कि इनके पास कोई हिम्मत नहीं, माने हम चिट्ठी लिखकर राज्य ले लेंगे, कानून बना के राज्य ले लेंगे। बहुत बड़ी बात है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा और जो है गहराई में सोचना होगा, अभी के लिए बस इतना ही रखता हूं। अब समझ लीजिए, तो डलहौजी ने कहा कि भारतीय राज्य तीन हिस्सों में होंगे। पहला, वे राज्य जो किसी के नियंत्रण में न रहे हों, गोद ले सकते हैं, यानी किसी के मतलब उससे पहले मुगल और मराठा, ठीक है, मुगल या मराठा के नेतृत्व में नहीं थे, गोद ले सकते हैं। अब इस तरह का राज्य कोई था या नहीं था इससे लेकर मैं कंफर्म नहीं हूं। दूसरा, वे राज्य जो मुगलों या मराठों के अधीन थे किंतु अब अंग्रेजी नियंत्रण में थे, तो इनको कहा गया कि अंग्रेजों की अनुमति आवश्यक है, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति मिल भी सकती है, अनुमति डिनाई भी की जा सकती है। लेकिन जो तीसरा प्रकार का राज्य था कि जिनका निर्माण अंग्रेजों ने स्वयं किया, जैसे सतारा का निर्माण अंग्रेजों ने स्वयं किया था पेशवा को बिठूर में भगाने के बाद, तो कहा कि गोद नहीं ले सकते, ठीक है। और इस विधि से कौन कौन से राज्य गए, सतारा गया सबसे पहले, आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कौन सा राज्य गया, सतारा, जैतपुर और संबलपुर, ऐसे पूरा लाइन से दे देगा, इसको याद कर लीजिए, बगाट, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। नागपुर तो इन सब में बहुत बड़ा स्टेट था, रघुजी भोसले का नागपुर, उस पूरे स्टेट को खा गए अंग्रेज, बहुत बड़ा स्टेट था। और उससे भी बड़ा स्टेट था अवध। अवध को मैंने अलग कलर से इसलिए दिखाया है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अवध नहीं गया। अवध में वाजिद अली शाह के पास तो बच्चे थे, तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया अंग्रेजों ने, डलहौजी ने, ठीक है, पूरा का पूरा विलय हो गया, जबकि बड़ा आज्ञाकारी राज्य था अवध। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब बात करते हैं क्रांति का स्वरूप क्या था, माने 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। यहां हम सबकी राय को सुनने से पहले यह जानना हमारा जरूरी है कि देखिए अधिकतर जो अंग्रेज इतिहासकार हैं वो 1857 की क्रांति को मात्र एक सैनिक विद्रोह बताते हैं, और यह प्रारंभ से ही है कि भाई ब्रिटिश राज से कोई असंतुष्ट थोड़े था नागरिक भारत का, ये तो सैनिक खामखा जो है धार्मिक मामले को लेकर के भड़क गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया, बाकी राज में यानी ब्रिटिश राज में सब लोग संतुष्ट थे। तो ये केवल सैनिक विद्रोह था,
ठीक है, लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकार भी कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था, लेकिन अधिकतर भारतीय इतिहासकारों का यह मानना है कि नहीं, यह सैनिक विद्रोह नहीं था, उससे अधिक था। और वीर सावरकर ने तो यह कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं। ये सेंट्रल जो वैचारिक पक्ष था उसको हमने समझ लिया। अब समझिए जॉन लॉरेंस ने क्या कहा। तो उसने कहा केवल सैनिक विद्रोह और कुछ नहीं। आपसे पूछा जाएगा जॉन लॉरेंस ने क्या कहा, तो कहा कि केवल सैनिक विद्रोह था 1857 क्रांति, उससे अधिक कुछ नहीं था। सीले ने क्या कहा, आपसे लॉरेंस और सीले दोनों मिला के पूछा जा सकता है, तो कहा गया कि यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। ये सब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार जो है इसको पढ़िए। L.E.R. रीज ने क्या कहा, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांध किसे कहा जा रहा था, है यहां पे हिंदू और मुसलमान को धर्मांध कहा जा रहा है, और उन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया। इसके बाद T.R. सोम ने क्या कहा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है T.R. सोम का, कि यह बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष था। बर्बरता यानी एक तरफ हिंदू मुसलमान बर्बर थे, और वो जो है सभ्यता सभ्य उच्च नस्ल के अंग्रेजों के विरुद्ध थे। ठीक है, जबकि बर्बरता की कोई सीमा अंग्रेजों ने नहीं छोड़ी। कहते हैं कि इलाहाबाद में कहने के लिए, मतलब एक प्रतीकात्मक रूप से इस बात को समझिए, एकदम फैक्ट पर मत जाइएगा, कि इलाहाबाद में कोई मजबूत पेड़ नहीं था जिस पर किसी न किसी को फांसी न दी गई हो 1857 की क्रांति को दबाने के बाद। जेम्स साउट्रम और W. टेलर ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। आपसे पूछा जाएगा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र 1857 की क्रांति को किसने कहा, तो आप कहेंगे जेम्स साउट्रम और W. टेलर। यह प्रश्न पूछा गया है। बेंजामिन डिजरेली ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। यह ब्रिटिश रूढ़िवादी दल के नेता थे बेंजामिन डिजरेल, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है B.D. सावरकर से। ठीक है, B.D. सावरकर, इनकी किताब थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने कहा कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। इस किताब पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। हालांकि कहते हैं कि बहुत महंगे दामों में इस किताब को ब्लैक मार्केट में खरीदा और बेचा जाता था, और क्रांतिकारी इसको जो है जरूर पढ़ना चाहते थे कि इस किताब को हम पढ़ें। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश भारत में यानी 1947 से पहले 1857 के ऊपर दो लोगों ने हिम्मत जुटाई किताब लिखने की। एक तो B.D. सावरकर, जिन्होंने क्या कहा कि यह है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, और दूसरे व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। तो इन्होंने, चूंकि मैं बताना यह चाहता हूं कि जो ब्रिटिशों के सुर में सुर मिला रहा है उसके लिए तो आसान था ब्रिटिश राज में किताब लिखना। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सर सैयद अहमद ने सैनिक विद्रोह कहा, लेकिन इन्होंने क्या कहा सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, इसीलिए इनकी बुक क्या हो गई, उस पर सेंसर हो गया, बैन हो गया वो बुक जो है। ठीक है, यहां पर एक फैक्ट मैं और आपको बताना चाहूंगा कि सर सैयद अहमद खान एक प्रकार से 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे, क्योंकि उस समय ये ब्रिटिश राज में सदर अमीन के पोस्ट पे थे। ब्रिटिश राज में जो उस समय सैनिक पोस्ट की बात करें तो कोई सूबेदार तक जा सकता था, और असैनिक पोस्ट की बात करें, प्रशासकीय पोस्ट की बात करें, तो कोई सदर अमीन तक जा सकता था। तो ये ब्रिटिश राज में किसी भारतीय को मिलने वाले सबसे बड़े पद पर थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भारतीय द्वारा लिखित पहली इनकी किताब थी 1859 में जो प्रकाशित हुई, असबाब ए हिंद ए बगावत। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखी असबाब ए बगावत हिंद। ठीक है, 1859 में प्रकाशित हुई, पहली किसी भारतीय द्वारा 1857 की क्रांति पर लिखी गई किताब थी। ठीक है, तो सर सैयद अहमद ने क्या कहा, तो कहा कि यह सैनिक विद्रोह है। इसके बाद R.C. मजमुदार का नंबर आ गया। अब R.C. मजमुदार ने जो टिप्पणी की वो सुनने में इतनी अच्छी लगती है कि इससे प्रश्न खूब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इन्होंने क्या कहा, इनकी पहली किताब के नाम, किताब का नाम जान लीजिए, तो किताब का नाम है द सिपॉय इम्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ
1857 इन्होंने ये कहा, यह तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, अस्पष्ट इन्होंने कर दिया। ठीक है, एस एन सेन, मैंने लिखा है सरकारी इतिहासकार, आपसे पूछा जाएगा 1857 का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो आप कहेंगे एस एन सेन थे। इनको भारत सरकार ने कहा कि भैया भारत सरकार के खर्च पे 1857 की क्रांति पर एक किताब आप लिखिए, अब देश स्वतंत्र हो गया है, तो इसीलिए इन्हें कहा गया कि ये सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी किताब 1857 में कहा, इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता, किंतु इसे सैनिक विद्रोह भी कहना गलत होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह सब परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 1857 की क्रांति के कारणों को हम देखेंगे। देखिए 1857 के क्रांति का स्वरूप क्या था, इस पर हमने सभी विद्वानों की राय को जान लिया जिन्होंने इस पे किताब लिखी है, चाहे वो विदेशी राइटर्स हों या भारत के लेखक हों, लेकिन इस पे हमने इसका कंक्लूजन नहीं निकाला। तो चूंकि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं और हम एक रिवीजन सीरीज के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो कंक्लूजन निकालने में 8 से 10 मिनट हमारा जाया होगा और उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, मेंस के लिए जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा कंक्लूजन देंगे कि नहीं भाई ये असल में क्या था, हम क्या सोचते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए, अब स्वरूप को समझने के बाद अब हमें समझना है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। ठीक है, तो पहला तो राजनीतिक कारण था। पहला क्या था? राजनीतिक कारण था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यही था कि भारत पर एक कंपनी का नियंत्रण। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी बन करके भारत आई थी कुछ ही वर्षों में, लगभग 100 साल से ज़्यादा में, वो भारत में एक शासिका बन बैठी। इसके अलावा देखिए मुगल बादशाह का अपमान, तो मुगल बादशाह तो 1803 से ही मराठों के हाथ से जब दिल्ली निकली तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय किसके नियंत्रण में आ गए? अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए और अंग्रेज इनको पेंशन देने लगे। लेकिन भले ही मुगल अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था मुगल बादशाह, लेकिन उसके मान मर्यादा उसका जो है कायम था, यानी वो दरबार अभी लगाता था, नजर लेता था, खिल्लत बांटता था, और यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वो अपना प्रिय पुत्र और अपना प्रिय नौकर कह करके बुलाता था। लेकिन अब धीरे धीरे मुगल बादशाहों की इज्जत घटने लगी और उनसे बात करने का जो तौर तरीका था वो अंग्रेजों का बदलने लगा। यहाँ तक कि 1835 में अकबर द्वितीय के समय मुगलों का सिक्का बंद हो गया। तो ये सब चीजें जो है देखी जा रही थी। इसके अलावा देसी राज्यों का हड़पा जाना, मुझे कहना हो तो ये सबसे बड़ा था, ये सबसे बड़ा कारण था कि देसी राज्यों का हड़पा जाना। अब एक व्यवस्था ला दिया लॉर्ड डलहौजी ने, और लॉर्ड डलहौजी उसी व्यवस्था के तहत जो है सतारा को ले लिया, झांसी को ले लिया, नागपुर को ले लिया, और जब इन सब व्यवस्थाओं में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अवध नहीं आया तो जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर कहा कि अवध में तो कुशासन फैला है, यहां प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। तो अब ये जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, ये सही शासन कर नहीं पा रहे हैं, ये तो भोग विलास में डूबे हुए हैं। तो भैया इस अवध को ब्रिटिश राज में मिलाकर यहां अच्छा प्रशासन दिया जाए, तो कुप्रशासन का आरोप लगा दिया कि यहां एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, और अवध का विलय कर लिया, और बहुत बड़ा राज्य था अवध। तो धीरे धीरे सब राजाओं को समझ में आने लगा कि कोई ना कोई बहाना लेकर के ये एक के बाद एक डलहौजी हमारे राज्यों को हड़पता चला जाएगा। तो अब सभी देसी राज्यों को लगने लगा कि उनका अस्तित्व अब समय की बात है, कोई ना कोई बहाना लेकर, कोई ना कोई कानून बना करके अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब राज्यों को अपने में मिला लेगी। ठीक है, तो देसी राज्यों का हड़पा जाना, इसके अलावा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय, यह बहुत बड़ा घटनाक्रम था। ठीक है,
अब तो मान लीजिए एक अधिनियम आ गया कि भाई जो लावारिस होगा उसके वारिस ब्रिटिश राज बन जाएगा, लेकिन अवध में तो ऐसा कुछ नहीं था। अवध के नवाबों से अधिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार इस पूरे भारत में कहीं का नवाब नहीं था। 1765 के इलाहाबाद की संधि से ही जो अपना सर अवध के नवाबों ने अंग्रेजों के सामने झुकाया तो वो झुका ही रह गया, जो भी अंग्रेजों ने मांगा वो सब उनको मिला, लेकिन उसके बाद भी अवध का विलय इन्होंने कर लिया। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि सबसे अधिक सैनिक ब्रिटिश आर्मी के अवध से ही थे, लगभग उनकी संख्या 75,000 थी। तो ये ब्रिटिश सैनिक जो अवध के थे इनमें राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी, और इसी भावना के न होने के कारण इन्होंने मराठों को हराया, इन्होंने सिखों को हराया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे राज्य अवध का ही विलय कर लिया ब्रिटिश राज, इसकी भूख मिटी नहीं रही है, तो इन्होंने अब दूसरे तरीके से सोचा। ठीक है, इसके अलावा देसी राजाओं के पद और पेंशन की समाप्ति, तो देसी राजाओं के पद और पेंशन की समाप्ति, अब आपको ध्यान हो तो थर्ड एंग्लो मराठा वार में पेशवा को हराकर बाजीराव द्वितीय को बिठूर में बिठा दिया गया और उनको 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। लेकिन जब उन्होंने दत्तक पुत्र लिया नाना साहब को, तो कहा गया कि भाई ये तो केवल बाजीराव द्वितीय को मिली थी, ये पेशवा को पेंशन नहीं मिली थी, ये बाजीराव द्वितीय एक व्यक्ति को मिली थी, और जब बाजीराव द्वितीय समाप्त हो गया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब उनके जो है सलाहकार थे जिमुल्ला, उनको उन्होंने लंदन तक भेजा इस बात पर कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, अधिकांश तालुकदारों तथा जमींदारों की जागीरें जब्त करना, तो बंबई में तो एक इनाम कमीशन बनाया गया। कहते हैं इनाम कमीशन ने लगभग 30,000 तालुकदारों की जांच की और उसमें से जागीरदारों के 20,000 की जागीरें जो है जब्त कर ली गई, और ये पूरे देश में हुआ। अब आर्थिक कारणों की बात करें तो आर्थिक कारणों को हमें एक लाइन में कहना होगा तो हम कहेंगे शोषणकारी ब्रिटिश राज, यानी भारतीय धन का निष्कासन। दादा भाई नेहरूजी ने ड्रेन थियरी दी ना कि भाई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, अपनी किताब में दादा भाई नेहरूजी ने क्या कहा कि ड्रेन थियरी, भारत के धन का पलायन हो रहा है। कहां हो रहा है? ब्रिटेन में। तो मूल ब्रिटिश नीति को हम भारत में समझे तो वो यही थी कि भारत को लूटना है और अंग्रेज और जो है ब्रिटेन को उसी लूटे हुए माल से जो है समृद्धि दिलानी है। भारत का भी औद्योगिकरण किया गया, कारीगर शिल्पी दस्ताकार बेरोजगार हुए। तो अब भी औद्योगिकरण का क्या मामला था उस समय तक, यानी प्रोफेसर एंगस मेडिसिन को मैं कोट करूं तो वो कहते हैं कि 17वीं शताब्दी तक भारत का विश्व के जीडीपी में जो हिस्सा था वो 25% था, और जिसे घींच करके अंग्रेज 3-4% तक ले आए। तो भारत प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस्ड फिनिश्ड गुड्स का सप्लायर था पूरी दुनिया में। और एक यूरोपीय इतिहासकार ये लिखता है कि भारत एक ऐसा समुद्र है जिसमें पूरी दुनिया की नदियां आकर के सोने और चांदी को बहा करके ले आती हैं, और फिर उस समुद्र से सोना और चांदी निकलता नहीं, उसी में विलीन हो जाता है। इतना सोना चांदी पूरी दुनिया से आता है भारत। तो भारत प्रोसेस्ड गुड्स का जो है एक्सपोर्टर था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बना दिया। तो यानी पके पकाए माल को हम खरीदने लगे और कच्चे माल को हम अंग्रेजों को बेचने लगे। तो आपको भी पता है कि फायदा किसमें है। ठीक है, इसके अलावा भूमि व्यवस्थाओं में परिवर्तन और करों में वृद्धि। तो भूमि व्यवस्था नई नई आने लगी, तो जमींदारी व्यवस्था आई जिसे हम कहते हैं चीरो अस्थाई बंदोबस्तों। इसके अलावा महालबाड़ी व्यवस्था आई। ठीक है, ये सारी चीजें। कृषि और कुटीर उद्योग का विनाश हुआ। कृषि और कुटीर उद्योग का बहुत ज्यादा संरक्षण देसी राज्य करते थे, उनका जब अस्तित्व समाप्त होने लगा जमींदार करते थे उनका, और व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण। ठीक है, एक तो मोनोपोली हो गई थी ना कि भारत से व्यापार कौन अंग्रेज करेंगे।
सामाजिक धार्मिक कारणों को देखें, बहुत सारे कारण थे, ठीक है। तो भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार, देखिए भारत में बहुत सारे सारी विदेशी ताकतें आई, लेकिन वर्तमान में हमें खोजना हो तो हमें जो है उनका मूल नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतना घुल मिल गया समाज कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बाहरी है और कौन यहाँ का है। लेकिन अंग्रेज कभी भी भारतीयों के साथ घुले मिले नहीं, उनसे सामाजिक रिश्ता इन्होंने कायम नहीं किया, क्योंकि ये अपने को एक उच्च नस्ल का समझते थे और भारतीयों को वाइट बर्डन, मतलब जो है उच्च नस्ल श्वेत नस्ल के लोगों की जिम्मेदारी ये मानते थे कि ये जो बर्बर हैं इनको हमें ठीक करना है, तो हम उच्च नस्ल के हैं इसलिए कोई सामाजिक व्यवहार इन्होंने नहीं रखा भारतीयों के साथ, और भारतीयों को काले और सुअर की संज्ञा देते थे अंग्रेज, काले और सुअर की संज्ञा देते थे। साथ ही बहुत सारे क्लब्स होटल उस समय थे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अलाउ नहीं है। बाल गंगाधर तिलक की बात से आप बात को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि भेदभाव अंग्रेज कितना कर रहे थे भारत में, वो बाल गंगाधर तिलक की इस बात से आप ठीक प्रकार से समझ पाएंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति, कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति अंग्रेजों के इस व्यवहार को एक घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, केवल एक घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह इतना चुभने वाला इनका व्यवहार था। सर सैयद अहमद खान की हम बात करें तो सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि भारत के उच्चतम श्रेणी के बड़े बड़े लोग भी बिना अंदरूनी डर और बिना कांपे हुए, जैसे डर से कांपता है आदमी, बिना अंदरूनी डर और बिना कांपे हुए कभी ब्रिटिश अधिकारियों के सामने पेश नहीं होते थे। तो जब ब्रिटिश अधिकारी के पास जाते थे, बड़े से बड़ा भारतीय, तो एक बार कांपता था कुछ कहने में, ठीक है, समझ में आ गया। ईसाई धर्म को हिंदू और मुस्लिम धर्म से श्रेष्ठ किया जाना, 1813 के एक्ट में, चार्टर्ड एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अब ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजा जाएगा। अब ईसाई मिशनरियां भारत में आई, धर्म प्रचार उन्होंने शुरू किया, और चूंकि शासक की जाति ईसाई थी, शासक का धर्म ईसाई था, तो ईसाई धर्म ऊपर होने लगा और जो है अन्य धर्मों के साथ भेदभाव। इसके अलावा कंपनी द्वारा ईसाई मिशनरियों को खुली छूट अब भारत में मिलने लगी। इसके अलावा हम देखें सामाजिक धार्मिक कारण हम देख रहे हैं, तो विलियम बेंटिंक और डलहौजी इनके समय में हालांकि अच्छा काम हुआ, सती प्रथा उन्मूलन का काम हुआ, विधवाओं का पुनर्विवाह हो इसका काम हुआ, ठगी का उन्मूलन किया गया, शिशु हत्या जो होती थी उसका दमन किया गया, लेकिन और ये सब भारतीयों के ही कहने पर किया गया अंग्रेजों द्वारा, लेकिन भारतीयों ने इसे अंग्रेजों द्वारा अपने धर्म में हस्तक्षेप के रूप में देखा और इसका विरोध किया। इसके बाद 1850 का लेक्स लोकी कानून, ठीक है, डलहौजी का मैंने आपको बताया ना, इसने क्या कहा कि दत्तक पुत्र की स्थिति कुछ नहीं होगी, जबकि दत्तक पुत्र की हिंदू धर्म में क्या स्थिति है, अब सेम उसी तरह जैसे कोई जैविक पुत्र होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये 1850 का लेक्स लोकी कानून आया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, उस समय तक क्या था कि अगर आप हिंदू हैं और आप ईसाई बन गए तो अब जो भी राइट्स आपके प्रॉपर्टी पे हैं परिवार में वो समाप्त हो गए, प्रॉपर्टी के राइट्स परिवार में समाप्त हो गया। आप ठीक है हिंदू हैं, सिख हिंदू हैं, ईसाई बन जाइए, लेकिन अब आप जो है पिता के संपत्ति पर अपनी अधिकारिता नहीं रखेंगे, पारिवारिक संपत्ति पर आपकी अधिकारिता समाप्त हो गई। जो लेक्स लोकी कानून आया 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, इसने कहा कि नहीं, आप ईसाई बन जाएं, आप मुसलमान बन जाएं, हिंदू हैं, कुछ नहीं, आपकी जो प्रॉपर्टी में राइट्स होगा वो आपको मिलेगा। अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है ईसाई बनना चाहता है तो उसको ये डर है कि हम ईसाई बनेंगे तो हम प्रॉपर्टी से हाथ धो लेंगे, लेकिन अब क्या कहा गया कि जो बनना है वो बनो, प्रॉपर्टी से हाथ नहीं धोगे। तो ये सब भी भारतीय देख रहे थे।
अब सैनिक कारणों की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन का नहीं होना, तो एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं था। हालांकि इसका यह भी कारण है कि भाई अंग्रेज बहुत दूर से आ रहे थे और कोई भी जो है दूर से आकर दूर नौकरी करता है तो उसको थोड़ा सा स्पेशल व्यवस्था दी ही जाती है, कहीं पर भी यही परंपरा ही है कार्य की, लेकिन यह अंतर बहुत बड़ा था। तो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं था। इसके अलावा पद वृद्धि लगभग थी ही नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत मेहनत कर ले तब भी वो सूबेदार से ऊपर नहीं जा पाता था। अभी आप पता कर लें कि भारतीय सेना में सूबेदार का पद जो है कितना बड़ा होता है, तो सूबेदार से ऊपर नहीं। जो भी लोग एनडीए सीडीएस देकर के कैंडिडेट्स जाते हैं वो कभी सूबेदार नहीं बनते। आप समझ लीजिए सूबेदार जो सैनिक भर्ती होता है वही सूबेदार तक जाता है, कैप्टन वगैरह तो एनडीए सीडीएस के लड़के जाते हैं, तो सूबेदार से ऊपर कोई नहीं जा सकता। और एक अंग्रेज इतिहासकार ये कहता है कि अगर कोई सैनिक हैदर अली जैसा भी योग्य हो, चतुराई पूर्ण हो, वीर हो, हैदर अली जिसने अंग्रेजों को हराया, तो भी वो बहुत ऊपर तक जाएगा तो 30 वर्ष की अपनी सेवा के बाद वो जो है सूबेदार का पद प्राप्त करेगा और किसी मध्यवर्ती, ठीक है, और उसकी हैसियत क्या होगी ये तो मैंने पद बता दिया, हैसियत क्या होगी तो ये लिखा कहता है कि कोई अंग्रेज रंगरूट, रंगरूट मतलब जो नया नया भर्ती हुआ है, अंग्रेज रंगरूट जो लंदन से आता है उसकी के आदेश को मानने से वो इनकार नहीं कर पाएगा। मतलब उसकी हैसियत इतना है 30 साल सेवा करने के बाद कि एकदम नया नया भर्ती हुआ अंग्रेज जो आया है वो भी उसको हुक्म दे देगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसने कहा? ब्रिटिश इतिहासकार टीआरएस होम्स ने कहा कि 30 वर्ष निष्ठापूर्वक अंग्रेजी सेना में सेवा करने के बाद भी इंग्लैंड से अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई व्यक्ति का मतलब नया रंगरूट, तो वो भी आदेश इसको दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य विश्वास के अंग्रेज उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो देखिए अंग्रेजी मिशनरियां इतनी तेजी से भारत में काम करने लगी कि अंग्रेजी मिशनरियां सड़कों पर दिखती थी, चौराहों पर दिखती थी, स्कूलों में दिखती थी, सेना में भी दिखती थी, यहां तक कि जेल में भी दिखती थी। तो सेना में भी सेना के खर्च पर एक ब्रिटिश ईसाई पादरी रहता था। तो सैनिक ये देख रहे थे कि धीरे धीरे जो है कि उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। वीर सावरकर तो ये लिखते हैं कि सेना में जो बड़े अधिकारी होते थे वो राम और मोहम्मद को गाली देते थे और ईसाई धर्म को श्रेष्ठ बताते थे, ये स्थिति थी। इसके अलावा जाति या पंथ के चिन्ह पगड़ी बांधना, माथे पर तिलक लगाना, यह हिंदू प्रतीक है, इसका भी विरोध किया गया। बेल्लोर में विद्रोह हुआ यही सिर्फ पगड़ी वाले मामले पर। इसके अलावा ज्यादातर सिपाही अवध से थे जिन्हें अवध का अपहरण पसंद नहीं आया कि भाई अवध को भी मिला लिया। इनको लगता था कि हम मराठों को दबा रहे हैं ये विदेशी हैं, हम जो है सिखों को दबा रहे हैं ये विदेशी हैं। पता चला कि अंग्रेजों ने इन्हीं की मदद से मराठों को दबाया, सिखों को दबाया, फिर इन्हीं का राज्य ले लिया। इसके अलावा 1856 का सेना भर्ती अधिनियम, 1856 में एक सेना भर्ती अधिनियम आया जिसने कहा कि विदेश सेवा अनिवार्य होगी, ठीक है, और विदेश सेवा भत्ता पर रोक लगा दिया गया। तो यह कहा गया कि अगर आप सेना में आ गए हैं तो विदेश सेवा अनिवार्य है, आप ये नहीं मना कर सकते कि हम विदेश में जाके सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में जिस कारण से यह विश्वास था कि अगर समुद्र को आपने लांघ लिया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो अब यह कहा गया कि भाई सेना में आएंगे तो आपको विदेश भेजा जाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा, बर्मा भेजेंगे, बर्मा जाना पड़ेगा। अब यह मत कहिए कि नहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, तो यह मजबूरी बना दी गई। इसके अलावा 1854 का कानून जिसने निशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया, इन सैनिकों के लिए डाक सेवा निःशुल्क थी, लेकिन 1854 में कानून आया उसने कहा कि नहीं डाक सेवा निःशुल्क नहीं होगी, पैसा लगेगा, ठीक है। ये सारे कारण रहे जल्दी जल्दी में हम देख रहे हैं। अब इतने सारे कारण मौजूद हो गए, यानी हम ये कहेंगे कि बारूद का पूरा ढेर सज करके अब तैयार हो चुका है। उसे किसकी तलाश है? तो एक छोटी सी चिंगारी की तलाश है, और वो छोटी सी चिंगारी को हम क्या कह रहे हैं?
तात्कालिक कारण। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था क्या था, तो आप कहेंगे कि दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे की बंदूक, इसको क्या कहते थे, ब्राउन बेस, जो 1856 से पहले सेना में प्रयोग होती थी, उस बंदूक को हम क्या कहते थे, ब्राउन बेस, ठीक है, उसकी जगह पर यह कहा गया कि न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। यह न्यू इनफील्ड राइफल है, इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, यह सेना में आ गया। अब चूंकि जो सैनिक तो ये देख ही रहे थे कि हमारे धर्म के साथ भेदभाव हो रहा है, पगड़ी लगाने पर एतराज है, टोपी पह तिलक लगाने पर एतराज है, और पादरी रह रहा है सेना में, भगवान को अल्लाह को गलत बातें बोली जा रही हैं, ईसाई धर्म को श्रेष्ठ बताया जा रहा, तो एक सामान्य विश्वास सैनिकों के अंदर हो चुका था कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। वो फिर अनिवार्य कर दिया गया कि नहीं भाई, विदेश सेवा करनी होगी, समुद्र को लांघना हो, तो एक सामान्य विश्वास चल ही रहा था, उसी में एक अफवाह जो है उड़ा, ठीक है, और वो अफवाह क्या था, पहले इसको समझ लीजिए तब समझिए, ठीक है। ये तो बंदूक है, ये उसकी बुलेट है, आप देखें ये पेपर कैस है, ये पाउडर है, ये बुलेट है, ये ग्रीस है, ठीक है, ये सैनिक को आप देख रहे हैं, ये बुलेट से का ऊपरी हिस्सा काट रहा है, ठीक है, उसके बाद गन भर रहा है, उसको लोड कर रहा है। तो ये कहा गया कि इस बुलेट का जो ऊपरी भाग है, जिसको दांत से काटने के बाद जो है बुलेट का प्रयोग किया जाता है, इस पर जो है गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है, और उस गाय और सुअर की चर्बी को दांत से काटना होता है। अब यह अफवाह कैसे फैली इसका तो पता नहीं है, लेकिन इस अफवाह का बहुत मजबूती से अंग्रेजों ने खंडन नहीं किया, और यह विश्वास हो गया कि नहीं, यह गाय और सुअर की चर्बी, अब आप समझिए, गाय हिंदुओं के लिए, गाय के मांस को वो अपने दांत से खींचेंगे, और सुअर मुसलमानों के लिए, सुअर के मांस को वो अपने दांत से लगाएंगे, तो एकदम धर्म भ्रष्ट हो गया। अगर ये सच में ऐसा था तो वास्तविकता था कि अब धर्म बचा क्या, अगर गाय को आपने मुंह, गाय के मांस को आपने मुंह तक लगा लिया और आप हिंदू हैं, तो आपका बचा क्या। तो ये जो है अफवाह फैली, और उसके बाद जो है एक सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो अब जो है हम आ जाते हैं सीधे घटनाक्रम पे कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो एक बेहतरीन टाइमलाइन के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे कि क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ और क्रांति का प्रसार किन किन केंद्रों पे हुआ, उन केंद्रों पर विद्रोह की कमान किसके हाथों में थी, उन केंद्रों पर विद्रोह को दबाया किस ब्रिटिश अधिकारी ने, यानी इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम टाइमलाइन से जोड़ करके देखेंगे, जो कि टाइमलाइन आपके स्क्रीन पे अब आ चुकी है। तो देखिए, जैसा कि ये कहा गया कि बुलेट के ऊपरी सिरे को दांत से उखाड़ना पड़ता है और वहां पे गाय या सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जिसे दांतों से उखाड़ना होता है। अब इस बात की पहली प्रतिक्रिया ब्रिटिश भारतीय सेना में हमें दिखी बहरामपुर में, ठीक है, तो 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके बाद इससे बड़ी घटना दिखी हमको बंगाल में ही, बैरकपुर में, तो बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, कारतूस प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने ही दो अधिकारियों को उसने गोली मार के उनका जीवन लीला समाप्त कर दी। उनका नाम था मंगल पांडे। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बैरकपुर के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बांग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी। कब किया ये? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे का विद्रोह हुआ। अब आपसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो सबसे पहला तो तथ्य ये जान लीजिए कि 1857 की क्रांति का प्रथम
शहीद या प्रथम बलिदानी हम किसको मानते हैं, तो मंगल पांडे को मानते हैं। ठीक है, तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे यह भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। यह भी पूछा जाएगा कि मंगल पांडे ने किस दिन बगावत की, तो आप कहेंगे 29 मार्च 1857 को उन्होंने बगावत की। अब यह बहुत बड़ा घटनाक्रम था, क्योंकि दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो गई, तो 8 अप्रैल 1857 को, यानी कुल मिला के 10 दिन के अंदर अंदर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और उनके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। रेजिमेंट भंग हो गई और मंगल पांडे को फांसी हो गई, और इस प्रकार से मंगल पांडे पहले शहीद हो गए 1857 की क्रांति के। ठीक है, अब ये सारा घटनाक्रम अभी तक जो हमने देखा है ये बंगाल में हो रहा है, लेकिन जो क्रांति का प्रारंभ हम मानते हैं वो मेरठ से मानते हैं। मेरठ में उत्तर भारत में की सबसे बड़ी छावनियों में से एक मेरठ में ब्रिटिश आर्मी की छावनी थी, बहुत बड़ी छावनी थी। और उस मेरठ में हुआ क्या कि देसी घुड़सवार सेना के कुछ सिपाहियों ने कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये किस दिन कहा, 24 अप्रैल को कहा। अब ये बहुत बड़ी बात थी कि कैसे ये सैनिक कह रहे हैं कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इनको ठीक प्रकार से दंडित किया जाए। तो इनको क्या किया गया कि 9 मई को इंक्वायरी बिठाकर 9 मई को जिन सिपाहियों ने, लगभग 85 की संख्या बताई जाती है, जिन सिपाहियों ने ये मना किया था कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, उन सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, यानी उनकी नौकरी ले ली गई। लेकिन केवल नौकरी ही नहीं ली गई, बल्कि उनको 10 वर्ष के लिए सजा भी दी गई। तो नौकरी भी ली गई और 10 वर्ष की सजा भी दी गई। अब यह बड़ा घटनाक्रम था। तो 24 अप्रैल को इन्होंने मना किया सैनिकों ने, और सैनिकों को सजा कब हुई, तो 9 मई को हुई। अब जैसे ही इनको सजा हुई, पूरी जो भारतीय सेना थी वो पूरी तरह से बिफर पड़ी, और 10 मई को यानी अगले दिन ही मेरठ में तैनात संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेजों के हाथ से तोते उड़ गए, पूरी की पूरी सेना ने विद्रोह कर दिया, और जो इनके साथी जेल में बंद थे उन सबको छुड़वाया, और सीधे ये विद्रोही सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर गए। और दिल्ली की ओर कूच करके एकदम पूरे दिल्ली पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। जो अंग्रेज वहां पे थे वो सब भाग खड़े हुए, और दिल्ली रीज पर जाकर के उन्होंने अपना आसियाना बना लिया, और लगातार अब युद्ध प्रारंभ हो गया। तो जो मूल दिल्ली है वो विद्रोहियों के हाथ में आ गई, और जब मूल दिल्ली विद्रोहियों के हाथ में आ गई तो विद्रोहियों ने कहा कि बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुगल साम्राज्य का शासक है, वही अब हमारा नेता है, और उन्हीं के नाम पर हम क्रांति करते हैं। तो ये एक कदम कि बहादुर शाह द्वितीय से जाकर के इन विद्रोही सिपाहियों ने कहा कि आप हमारा नेतृत्व संभालिए और हम अपने आपके नेतृत्व में अंग्रेजों को बाहर, भारत से बाहर खदेड़ेंगे। इस एक घटना ने इसे सैनिक विद्रोह से एकाएक जो है क्रांति की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, तो 12 मई 1857 को दिल्ली पर विद्रोही सैनिकों ने अधिकार किया, और बहादुर शाह द्वितीय से वो ये निवेदन करने लगे कि आप हमारा जो है नेतृत्व करिए। अब बहादुर शाह द्वितीय बहुत बुरी तरह से चौंके कि अरे ये इतने 10,000 से ज्यादा संख्या में सिपाही मेरठ से आ गए सुबह सुबह ही, और अब ये नेतृत्व करने के लिए कह रहे हैं। तो एक असमंजस की स्थिति हो गई बहादुर शाह द्वितीय के लिए, क्योंकि वो वृद्ध थे, इस तरह के क्रांति का नेतृत्व करने की उनकी उम्र नहीं थी, और वो भी ये अचानक हुआ, अगर प्लांट हुआ होता तो उनको सोचने का समय। और एक प्रकार से इन विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले को घेर लिया था। तो अंततः अनिच्छा से ही बहादुर शाह द्वितीय को इनका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा, और इनका नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा स्वीकार करते ही ये जो विद्रोह था वो एक प्रकार से जो है उसका को अस्थायित्व मिल गई, और अन्य सेंटर्स भी थे जो बाद में विद्रोह में शामिल हुए उनको भी इससे ताकत मिली। और दिल्ली का सिंबॉलिक महत्व था ही कि भाई दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया, क्योंकि मुगलों के समय से ही दिल्ली से ही भारत का शासन चलाया जा रहा था। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने अपना नेता मान लिया, और दिल्ली विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र हो गया। सबसे बड़ा केंद्र का इसलिए कि मुगल दिल्ली से ही सत्ता चलाते थे, दिल्ली ही
सल्तनत कालीन समय से ही दिल्ली भारत की जो है आधार स्थल के रूप में विकसित हो गया था, तो ऐसे में दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब देखिए यहां पर कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। एक है बखत खान, ठीक है, अफगान है बखत खान। बखत खान ब्रिटिशों की आर्मी में सूबेदार पद पर पहुंचे थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैनिक रूप में सबसे बड़ी उन्नति होती थी कि कोई व्यक्ति सूबेदार बन जाता था, तो ये मतलब सबसे बड़ी उन्नति पाए थे। और बखत खां को ही फिर लीडरशिप मिली, चाहे वो सैनिक मामला हो, मिलिट्री का हो, चाहे असैनिक हो या एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के मामले को देखने के लिए, चूंकि 12 मई को अधिकार हो गया है, तो 12 मई से लेकर 20 सितंबर तक दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार है, तो इस दौरान मिलिट्री एक्टिविटी को देखने के लिए और साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए एक परिषद बनाई गई थी, ठीक है। उस परिषद का नेतृत्व कर रहे थे बखत का, वास्तविक नेतृत्व, हालांकि नाम मात्र के लिए तो नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र मिर्जा मुगल, ठीक है। तो यह परिषद काम कर रहे थे, तो बखत खां से प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि बखत खां को बहादुर शाह द्वितीय ने इससे प्रसन्न होकर साहबे आलम बहादुर की उपाधि दी थी। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बहादुर शाह द्वितीय ने किसे साहबे आलम बहादुर की उपाधि दी थी, तो आप कहेंगे कि बखत खां को दी थी, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेज ये जानते थे कि दिल्ली को जीतना सबसे महत्व का विषय है, क्योंकि दिल्ली का सिंबोलिक अर्थ है। अरे अच्छा, दिल्ली निकल गई, तो दिल्ली निकल गई तो बचा क्या, ठीक है। अच्छा, अब इस समय तक क्या था कि दिल्ली के आसपास का माहौल जो है बहुत बदल गया। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, जैसे लंदन से प्रकाशित होने वाले टाइम्स न्यूज़पेपर के एक लेखक थे W.H. Russell, उन्होंने लिखा है कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। कुछ समय के लिए अंग्रेजों की स्थिति भारत में बुरी तरह से डवाडोल हो गई थी, लेकिन फिर भी जो है दिल्ली के पास रीज पर मोर्चा लेकर के अंग्रेज बैठे हुए थे और लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। तो जब थोड़ी सी अनुकूल स्थिति हुई तो उसके बाद जो है जॉन निकल्सन के नेतृत्व में सेना आई। जॉन निकल्सन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन निकल्सन को राक्षस के समान बताया गया है, और यह कहा गया है कि एक बार अंग्रेज सैनिक जब जॉन निकल्सन को देख लेते थे तो उनमें लड़ने की अद्भुत क्षमता आ जाती थी, उनमें अलग तरह का आत्मविश्वास आ जाता था कि जॉन निकल्सन आ गया तो अब तो सारी बाजी हमारे हाथ में थी। इस तरह का व्यक्तित्व जॉन निकल्सन का था। तो अब जो है दिल्ली बहुत जल्दी आई हाथ में, मतलब सैनिक आते गए और दिल्ली आ गई हाथ में। तो जब बहुत जल्दी दिल्ली आई जो है क्रांतिकारियों के हाथ में, और बहुत जल्दी उनके हाथ से दिल्ली निकल गई 4 महीने में ही। 12 मई को अधिकार हुआ दिल्ली पे, और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली से समाप्त हो गया विद्रोहियों का काम, अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो ठीक है, दिल्ली में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यहां मैं बताना चाहूंगा, प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और वो प्रश्न इसीलिए पूछा गया है क्योंकि ये बहुत बहादुर सैनिक था जिसका नाम था जॉन निकल्सन, ये इस युद्ध में मारा गया। तो अधिकार तो इसने करवा दिया अंग्रेजों का, लेकिन ये मारा गया, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद भाग गए जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, भाग गए हुमायूं के किले में। हुमायूं के किले से इनको घींच करके निकाला गया, इनके 2 पुत्रों को वहीं गोली मारी गई, इनके 1 पौत्र को वहीं गोली मारी गई, बहादुर शाह द्वितीय को गोली नहीं मारी गई, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और इनको बाद में रंगून निर्वासित कर दिया गया, यानी इनको देश निकाला दे दिया गया। इस समय आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन था प्रत्यक्षदर्शी 1857 का, तो उस समय 1857 की क्रांति में मिर्जा गालिब, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब वही थे, और उन्होंने मिर्जा गालिब ने लिखा है कि मेरी आंखों के सामने रक्त का सैलाब उमड़ रहा है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना लिखा है। तो मिर्जा गालिब प्रत्यक्षदर्शी थे। मिर्जा गालिब से अगर प्रश्न आए तो आप बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है
और केवल खुदा जानता है कि मुझे क्या क्या देखना लिखा है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मिर्जा गालिब वाला भी पूछा जाएगा। तो अब हमने एक सेंटर की बात कर ली दिल्ली की, अब हम अवध की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा, टाइटल दिया है अवध विद्रोह की ओर। ठीक है, तो 30 मई से 4 जून 1857 में क्या हुआ, लखनऊ के सिपाहियों का विद्रोह, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके बेगम हजरत महल ने मोर्चा खोला। तो लखनऊ में भी ब्रिटिश भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, चूंकि इन्हीं लोगों के खर्च पर रहते थे। अब यहां ध्यान दीजिए कि 1856 में जब अवध का विलय किया गया ब्रिटिश राज में, एक गोली नहीं चली, लेकिन मन में तो वेदना थी ही, मन में तो छटपटाहट थी ही। और जैसे ही दिल्ली में इन लोगों ने देखा कि विद्रोही सैनिकों ने अधिकार कर लिया है दिल्ली पर और मुगल बादशाह को फिर से स्थापित कर दिया है, तो फिर लखनऊ में भी उसकी प्रतिक्रिया हुई। और यहां पर क्या है कि जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, तो उनका केवल राज्य ही नहीं अधिग्रहित किया गया था, बल्कि उनको पेंशन देकर कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया था। तो वो लखनऊ में नहीं थे, तो लखनऊ में उनकी बीबी के समान ही, किंतु बीबी नहीं, महल एक उपाधि होती थी, इस महल का मतलब होता था पत्नी से थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण दर्जा। तो उनकी एक महल जो थी जिनका नाम बेगम हजरत महल था और जिनका ओरिजिनल नाम आपसे पूछा जाएगा महक परी था, तो उन बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को आगे किया और उनको नवाब घोषित करके लखनऊ का उन्होंने मोर्चा खोल दिया। किसने? महक परी ने, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, इन्होंने मोर्चा खोल दिया क्योंकि इनके पति जो थे वो अब लखनऊ में नहीं थे और इनके परिवार के अधिकांश लोग अब लखनऊ में नहीं थे, सब लोग कहां थे? कलकत्ता में थे। तो जून 1857 की बात करें तो जून तक संपूर्ण अवध में विद्रोह हो गया। संपूर्ण अवध सबसे अगर सशक्त कहीं पर विद्रोह हुआ तो वो अवध में हुआ, यह ध्यान रखिए। ठीक है, चीफ कमिश्नर लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करता हुआ मारा गया। आपसे चीफ कमिश्नर लॉरेंस से भी जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा कि चीफ कमिश्नर लॉरेंस कहां मारा गया, तो आप कहेंगे कि रेजिडेंसी की रक्षा, रेजिडेंसी यहां जहां अंग्रेज रेजिडेंट रहता था, तो रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया। अब आइए मार्च 1858, कैंपवेल, किसने अवध का विद्रोह दबाया आपसे पूछा जाएगा, तो आप उत्तर देंगे कैंपवेल। और लखनऊ पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया, हजरत महल नेपाल चली गई, उसके बाद का इनका इतिहास पता नहीं चलता है। तो ये हमने अवध की बात की। ठीक है, पूछा जाएगा अवध में किसने नेतृत्व किया, आप कहेंगे बेगम हजरत महल, वास्तविक नाम महक परी। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। अब कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ, जून में ही हुआ। ठीक है, यहां किसने विद्रोह किया, नाना साहब, जिनका नाम था धोदू पंत। ये नाना साहब कौन है, ये कहां से आ गए कानपुर में, तो ये नाना साहब बाजीराव द्वितीय हैं, वही बाजीराव द्वितीय जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, उसी बाजीराव द्वितीय को तीसरे एंग्लो मराठा वार में पराजित करके अंग्रेजों ने पेशवा का पूरा राज छीन लिया और पेशवा को यह कहा कि अब महाराष्ट्र में भी आप नहीं रहेंगे, आप जाएंगे कानपुर और कानपुर में रहेंगे। तो ये कानपुर में के पास एक जगह है बिठूर, वहां पर निर्वासित हैं। और अब इनकी पेंशन, जब इनके पिताजी मरे तो इनकी पेंशन बंद हो गई, जब इन्होंने कहा कि अरे भाई हम भी अगले पेशवा हैं हमको पेंशन दो, तो अंग्रेजों ने कहा वो पेंशन तो व्यक्तिगत बाजीराव द्वितीय को दी गई थी, आप कौन हैं। इन्होंने अपने एक सलाहकार अजीमुल्ला को भेजा भी लंदन की, नहीं हमारे पक्ष में बात किए, लेकिन कुछ मामला निकला नहीं। तो ये मराठा थे, ध्यान दीजिए ये मराठा थे, मजबूरी में कानपुर में रह रहे थे। तो 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकला, नाना साहब यानी धोदू पंत ने स्वयं को पेशवा घोषित कर लिया और यह भी कह दिया कि हम जो है सूबेदार हैं बाजीराव द्वितीय के। 27 जून 1857 को जनरल सर ह्यू बिलर ने आत्मसमर्पण इनको किया। ठीक है, इसी में बीबीगढ़ की एक पूरी कहानी आती है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हेबलॉक और नील की संयुक्त सेना ने पुनः कानपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जब यहां कानपुर पर कब्जा हुआ तो फिर 27 नवंबर को ग्वालियर की विद्रोही सेना आई और उसने फिर कानपुर पर अधिकार कर लिया। तो कानपुर दो बार अंग्रेजों के हाथ से निकला। ठीक है,
और 16 दिसंबर 1857 को फाइनली कैंपवेल द्वारा कानपुर पर संपूर्ण अधिकार कर लिया गया। तो कानपुर पर बहुत जल्दी हो गया। अवध आप देखें तो मार्च तक कहानी खींची, ठीक है। अब इधर है, अब यहां पे देखिए जैसा कि लिखा है, झांसी में रानी की हुंकार। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में हुंकार भरी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। अब इनका जो है क्षय की नीति के वजह से इनका राज्य चला गया था। राज्य उस समय तो जबरन ले लिया गया, लेकिन जब क्रांति हुई तो इन्होंने भी क्रांति की मसाल को पकड़ लिया। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, 5 जून 1857 को यह प्रारंभ हुआ। 23 मार्च 1858 को यूरोज द्वारा झांसी का घेरा, रानी द्वारा अदम्य साहस का प्रदर्शन, कुछ गद्दारों के कारण किला अंग्रेजों के हाथ में आ गया। 23 मार्च को झांसी का फाल हो गया, ठीक है। अब यहां से रानी कालपी पहुंची, वहां से ग्वालियर, और ग्वालियर में स्थिति यह हो गई कि मां लिखा है ना सुभद्रा कुमारी चौहान ने, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया राजधानी छोड़कर के भाग गए। ग्वालियर पर रानी का अधिकार हो गया, लेकिन फाइनली मई 1858 में ह्यूरोज और स्मिथ की संयुक्त सेना द्वारा रानी पर धावा बोला गया और रानी को वीर गति प्राप्त हुई। ग्वालियर में इनकी समाधि है, तो ग्वालियर में ये मृत्यु को प्राप्त हुई और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, गंगाधर राव इनके पति का नाम था, और जिस दत्तक पुत्र को इन्होंने लिया था, दामोदर राव, उसको दत्तक पुत्र लिया था, जिसको कि ब्रिटिशों ने मान्यता नहीं दी। तो ये मई 1858 में हुआ, ग्वालियर में इनकी समाधि जो है बनी और ह्यूरोज ने इस विद्रोह को दबाया। अब देखिए केंद्र विद्रोह की तिथि, क्रांतिकारी और उन्मूलनकर्ता, इसकी लिस्ट आ गई। तो दिल्ली में देखिए मई में हुआ, 12 मई को बहादुर शाह जफर नाम मात्र के और बखत खान वास्तविक, सितंबर 1857 जान निकलसन और हटसन, जान निकलसन तो मारा गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लखनऊ जून 1857 बेगम हजरत महल, दबाया कब गया, मार्च 1858 में कैंपवेल द्वारा। कानपुर जून 1857 नाना साहब तात्या टोपे, तात्या टोपे कौन है यहीं से जान लीजिए। तो नाना साहब के एक सेनापति हैं तात्या टोपे, तो तात्या टोपे ने पहले नाना साहब के साथ मिलकर के संघर्ष किया, फिर जब नाना साहब पराजित हुए तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर तात्या टोपे ने जो है नेतृत्व किया क्रांति का। जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई तो इंडिविजुअल लेवल पर तात्या टोपे ने काम किया, और सबसे मुखर हम कहें और सबसे वीर अदम्य साहसी इस पूरे जो है क्रांति में कोई दिखा तो वो तात्या टोपे हुए। लेकिन अंततः जो है तात्या टोपे को इनके एक मित्र मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया, और जो है ग्वालियर जब स्टेट में ये थे और शिवपुरी में इनको लाया गया, और इनको जो है 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किसके मित्र ने धोखे से उसको जो है पकड़वा दिया, तो आप कहेंगे तात्या टोपे। फिर पूछा जाएगा तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था, तो आप कहेंगे रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे कौन थे, तो तात्या टोपे थे नाना साहब के एक सेनापति। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, किसने समाप्त किया विद्रोह को, ह्यूरोज ने। इलाहाबाद मौलवी लिकायत अली, कर्नल नील 1858। जगदीशपुर की एक कहानी है, इसको समझ लीजिए। जगदीशपुर में 80 वर्ष की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा शाहबाद जिला का एक जो है क्षेत्र, जिसके जागीरदार थे, राजा थे बाबू कुंवर सिंह। बिहार की परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछा गया, बाबू कहा ना सुभद्रा कुमारी चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, तो चमक उठी जो 57 में जो है बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने लीड किया, और सबसे सफल बाबू कुंवर सिंह रहे। इन्होंने 3-4 मोर्चों पर अंग्रेजों को अलग अलग हराया, 3-4 मोर्चों पर हराया। हाथ में गोली लगी, उसको काट दिया हाथ को और गंगा जी में फेंक दिया, कहा मां गंगा तुमको समर्पित है। तो
तो बहुत जबरदस्त जो है, और ये अपनी मौत मरे, अंग्रेज इनका कुछ नहीं कर पाए, ये अपनी मौत मरे, तो बड़ी वीरता से इन्होंने सामना किया। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह तो 1858 में विलियम टेलर और विसेंट आयर, इसके बाद बरेली, खान बहादुर, खान बहादुर से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, कैंपवेल ने इस विद्रोह को दबाया, खान बहादुर याद रखिए, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, असम में कंद पेशवर सिंह और इनके जो है दीवान मनीराम दत्ता, उड़ीसा में संबलपुर रियासत, सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, कुल्लू में राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह, तो कुल्लू रियासत भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है इन्होंने संघर्ष किया, इसीलिए बड़ा सम्मान है कुल्लू रियासत का। ठीक है, और राजस्थान में कोटा, जगदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, ये ध्यान रखिए, ये पूरा जो है चार्ट। ठीक है, अब जो है आप यहां पे देखें, इंपॉर्टेंट जो थिएटर ऑफ द वार्स हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट एंड द लाइन ऑफ ब्रिटिश अटैक अगेंस्ट द रिवेल। ठीक है, तो ये ब्रिटिश अटैक आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ हम दूसरे मैप्स लेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्थिति क्या थी। अच्छा, इससे पहले आप देख लीजिए 1857 की क्रांति में कौन क्या था, यह प्रश्न पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के समय कौन क्या था, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे, आपसे पूछा जाएगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे 1857 की क्रांति के समय, आप कहेंगे पामस्टन। कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड केनिंग था। कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनिंसन था। क्रांति प्रारंभ होने के बाद कौन नियुक्त हुआ सेनापति, तो कालिन कैंपवेल हुआ। और मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। ये सब तो पूरा का पूरा लाइन ही एक एक तथ्य है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण है, बहुत समय नहीं लेंगे हम लोग, 5-10 मिनट में इसको निपटाएंगे। ठीक है, तो निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। देखिए, अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि क्रांति का क्या स्वरूप था, ये जब हम समझ रहे थे तो उस समय हमने इस बात को चर्चा नहीं की, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इसमें जो है एक डेट फिक्स की गई थी, मंगल पांडे ने थोड़ी जल्दी कर दी, नहीं तो एक डेट फिक्स की गई थी 31 मई का, कि उस समय जो है हम एक साथ पूरे देश में इसका जो है बिगुल फूकेंगे। तो ये कहा गया था कि कमल और रोटी, आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी जो है गांवों में जा जाकर जो सन्यासी हैं, जो मदारी हैं, जो जादूगर हैं, इस तरह के लोग जो है गांवों में जा करके इसको प्रचारित कर रहे थे, लेकिन निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं की गई और अलग अलग समय पर। अब चूंकि कुछ लोग यह कहते हैं कि यह सब झूठ है, यह भी बात समझिए कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन यह कहा गया कि कमल और फूल था, एक निश्चित डेट था, यह कहा गया। लेकिन अगर इसको हम ना भी माने तो हम इतना तो मानेंगे ही कि अगर 12 मई को दिल्ली पर पहुंच गए थे लोग, तो फिर लखनऊ में जो है क्यों इतना डिले हुआ, झांसी में क्यों डिले हुआ, तुरंत होना चाहिए था। अगर तुरंत होता तो एकाएक दबाव आता अंग्रेजों को, अब अंग्रेजों को समय मिलता चला गया। ठीक है, इसके अलावा देशी राजाओं का देशद्रोही रुख, जैसे कि मैं बताऊं आपको, हैदराबाद का निजाम हुआ, नेपाल के राजा हुए, सिंधिया के बारे में तो बहुत लिखा गया है, ग्वालियर के सिंधिया, जैसा कि केनिंग ने कहा कि अगर ग्वालियर के सिंधिया नहीं होते तो हमारा तो अस्तित्व तो उड़ जाता। इसके अलावा कहा गया कि जो देशी राज्य के रियासत थी उन्होंने जो है तरंग रोधक का काम किया, मैंने एक जो है अवरोध का काम किया, नहीं तो ये जो हवा थी ये हमको उड़ा करके ले जाता, या ये जो पानी था वो हमको बहा के लेकर जाता, तो इस तरह की बात कही गई। जिंद का शासक जो है, नाभा का शासक, तो ऐसे बहुत सारे, तो हमने आपको बताया कि सब तो सब्सिडियरी अलायंस करके बैठे थे भैया, वो कहां से अंग्रेजों के खिलाफ जाते। ठीक है, इसके बाद सांप्रदायिकता का खेल, तो क्या सांप्रदायिकता का ख्याल हुआ, तो सबसे पहले तो यह है कि मुगलों के अत्याचार से, औरंगजेब का अत्याचार सबको याद था, फिर लगा कि मुगलों का शासन आ जाएगा, सब लोग जो है बहादुर शाह द्वितीय को, इसके अलावा सिख गुरुओं की कितनी हत्या करवाई गई थी मुगल शासकों द्वारा, तो पंजाब में अंग्रेजों ने यह कहना शुरू किया कि अरे फिर से जो है औरंगजेब के परिवार का व्यक्ति गद्दी पर बैठ रहा है दिल्ली में, तो आप लोगों की स्थिति तो खराब हो जाएगी, तो पंजाब के सिखों ने कहा कि अरे ये तो फिर वही वाली स्थिति हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से विद्रोह का सीमित स्वरूप तो हम देखेंगे कि विद्रोह का बेहद सीमित स्वरूप था, दक्षिण भारत तो पूरा छूट गया था, इसके अलावा उत्तर भारत में कुछ ही सेंटर्स हमें देखने को मिलते हैं, हम चित्र में देखेंगे, तो विद्रोह का स्वरूप ही छोटा था।
इसके अलावा सहायक साधनों का अभाव था, तो उस तरह के आधुनिक हथियार नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, कोई योग्य नेता नहीं था। इसके अलावा सैनिक संख्या में भारी अंतर था, तो ये जो सैनिक थे विद्रोही सैनिक इनकी संख्या सीमित थी, लेकिन जो विपक्ष में ब्रिटिश सेना थी वो बड़ी थी। इसके अलावा अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व, तो अनुकूल परिस्थितियों को तो छोड़ें, कुशल नेतृत्व आप समझ लीजिए कैंपवेल है, जॉन हेवलॉक है, निकल्सन है, उस तरह का नेतृत्व भारतीयों के पास था ही नहीं। केवल हमें तात्या टोपे दिखते हैं, नाना साहब दिखते हैं, और सॉरी बाबू कुंवर सिंह दिखते हैं, लेकिन उन लोगों की उम्र नहीं थी। बहादुर शाह द्वितीय की बस का थोड़े कुछ था, ठीक है। तो वही योग्य नेतृत्व का अभाव, तो नेतृत्व में योग्यता थी ही नहीं, ठीक है ना। किसने कहा? हाँ, जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो वो हमें सदा के लिए हरा देता। अब सोचिए, ये बात कर रहा है जॉन लॉरेंस, यानी कोई भी योग्य नेता नहीं है विद्रोहियों में। इसके अलावा जन समर्थन का अभाव, तो इससे वही लोग जुड़े थे जिनका राज्य गया था, जिनकी पेंशन गई थी, जिसकी जमींदारी गई थी, अवध में थोड़ा जो है ज्यादा प्रभाव था, बाकी लोग इससे जुड़े नहीं थे। बंबई में, कलकत्ता में तो जो शिक्षित भारतीय थे वो अंग्रेजों के जीत के लिए दुआ कर रहे थे कि वो जीत जाए, तो शिक्षित भारतीय तो पूरी तरह से दूर था। अब जहां शिक्षित भारतीय ही दूर है वो फिर कहां, क्योंकि शिक्षित भारतीयों को लगता था कि ये अब फिर से पुराने समय में ले जाएंगे भारत को ये विद्रोही, ठीक है। ये विषय, अब ये मैप जो दिख रहा है वो है इंडियन स्टेट ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन इससे भी स्पष्ट जो है मैप इसके आगे है, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि नेचुरल स्टेट कौन से हैं और ब्रिटिश अलाइड स्टेट कौन से हैं, ब्रिटिशों की मदद कौन से स्टेट कर रहे हैं। तो देखें, हैदराबाद यहाँ पर है, रीवा का स्टेट है, हैदराबाद हो गया, रीवा हो गया, बीकानेर हो गया, ऊपर कश्मीर हो गया, ये सब आपको दिख रहा है, पटियाला है, ठीक है, ये सारे स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। नेचुरल स्टेट कौन से हैं, तो ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये मैसूर का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ठीक है। और स्टेट इन रिवेलियन, तो ये हम देखें तो ये हमें बहुत कम दिखेंगे, मतलब जो है जिन क्षेत्रों पर इस विद्रोह, ये विद्रोह हुआ वो बहुत छोटा था। ये बड़ा शानदार मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से आप देखिए, ठीक है। अब जो है क्रांति का महत्व क्या रहा, वो हमने लिखा है, ये सिख की सफल क्रांति के लिए सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना का होना आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रीय भावना का विकास, इसके अलावा एकता और संगठन का भाव, और भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हो गई, हम जानते हैं महारानी विक्टोरिया की घोषणा हो गई, ठीक है। इस प्रकार से 1857 की क्रांति को हमने बड़े विस्तार से समझा, पढ़ा, रिवाइज किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।